Welcome to my program, Psychometrics and Grooming. In this program, we talk about raising a happy child. दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी बहुत से फैक्टर्स से मिलकर बनती है, जैसे डीएनए एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स जो हम अपनी हेरिडेटरी में लेकर आए हैं, हमारे एनवायरनमेंट जिसमें हमारी ग्रूमिंग होती है, हमारे आसपास के लोगों का बिहेवियर, ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे बिहेवियरल एटीट्यूड्स के लिए, हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए। यही चीज़ हमारे बच्चों पे भी अप्लाई होती है। बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि वो एक हैप्पी माइंड, एक हैप्पी सोल बन सके। इन दिस प्रोग्राम एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन टिप्स विद यू विच कैन हेल्प यू ग्रूम अ हैप्पी चाइल्ड। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद आवर किड्स। बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे दिन का आधा घंटा निकालें या 15 मिनट निकालें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके साथ बात करें, उसके बारे में जानें, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानें, उसके प्लान्स के बारे में जानें, उसके दोस्तों के बारे में जानें। जस्ट टॉक सेकेंड। हम अपने बच्चों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, जैसे गेम्स, जू, पार्क, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें हम पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के यहाँ ज़रूर लेकर जाएं, उनसे ज़रूर मिलवाएं ताकि वो रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ को समझें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्पाउस से डिस्कस करके फिर उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट करें। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बच्चों को न सिर्फ कंफ्यूज करता है बल्कि उन्हें इनकरेज करता है पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने में और अपना एडवांटेज गेन करने में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स की एक ही राय हो। तो ये थे कुछ टिप्स जो बच्चों की ग्रूमिंग में हमें हेल्प करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और टिप्स जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।